हेलो दोस्तों, गेमिंग गियर्स चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 9.00 फर्मवेयर वाले PS4 को जेलब्रेक करने के कितने मेथड हैं और उनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा है और क्यों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आप सिर्फ 9.00 फर्मवेयर तक ही अपने PS4 को जेलब्रेक कर सकते हैं। अगर आपका PS4 9.03 या 10.01 यानी कि हायर फर्मवेयर पर है तो आप उसको जेलब्रेक अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जेलब्रेक सिर्फ 9.00 तक अवेलेबल है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त जैद और आप देख रहे हो गेमिंग गियर्स चैनल। तो गाइज, 9.00 फर्मवेयर वाले PS4 को जेलब्रेक करने के तीन मेथड हैं। मेथड नंबर एक, प्लग अनप्लग मेथड। तो इस मेथड के अंदर एक पेन ड्राइव तैयार की जाती है जिसे जेलब्रेक की पेन ड्राइव भी बोलते हैं। उस पेन ड्राइव को आपको जब आपको नोटिफिकेशन मिले तब प्लग करना होता है, और जब आपको जेलब्रेक डन का नोटिफिकेशन मिले तब आप उसको अनप्लग कर लेते हैं। तो ऐसे आपका PS4 जेलब्रेक हो जाता है। अब इस मेथड के तीन ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि नुकसान हैं। पहला, एक तो आपका जो पेन ड्राइव है वो सिर्फ आप जेलब्रेक के लिए ही यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप उसको PC में लगाओगे तो आपको करप्टेड पेन ड्राइव के तौर पर वो वहां शो होगा। दूसरी चीज, आपका जो PS4 का USB पोर्ट है वो खराब हो सकता है, क्योंकि आपको प्लग अनप्लग करना पड़ता है जब भी आप उसको जेलब्रेक करते हैं। तीसरी चीज, आपका जो पेन ड्राइव है अगर आप सही टाइम पर उसको प्लग अनप्लग नहीं करते हो तो आपको कर्नल पैनिक की वजह से PS4 बंद हो जाता है और फिर से स्टार्ट होने में यहां पर डिस्क 2 मेरा पेन ड्राइव रहता है, और कभी-कभी डेटाबेस करप्ट होने की वजह से आपके जो गेम्स हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, और इसके तीन ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए। दूसरा मेथड है मैजिक USB। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो प्लग अनप्लग मेथड का अच्छा रूप है, यानी कि इसमें जो प्लग अनप्लग मेथड के अंदर प्रॉब्लम्स थी वो दूर कर दी गई हैं, और ये ही मैं बेस्ट मेथड मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं रहती है जो प्लग अनप्लग मेथड में रहती है। इसमें आप पेन ड्राइव तैयार करते हैं और उस पेन ड्राइव में आप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि प्लग अनप्लग मेथड में नहीं कर सकते थे। साथ ही आप इसको अपने PlayStation 4 में प्लग करके छोड़ भी सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको अनप्लग नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लग रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपका PS4 का USB पोर्ट भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये इसके फायदे हैं। अब इसके बाद एक मेथड और है, नंबर तीन, आपको मैं बता देता हूँ, चिप मेथड। जैसे 6.72 की जेलब्रेक में ESP8266 चिप यूज़ होती थी, 9.00 फर्मवेयर में भी आप एक चिप आती है ESP32S2, उसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैजिक USB से ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सब काम ऑटोमेटिकली होता है, बट मैं मैजिक USB को इससे अच्छा इसलिए कह रहा हूँ, बेस्ट मेथड इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो इंडिया में ईजिली अवेलेबल नहीं है ESP32S2। मैंने भी ये काफ़ी सर्च करने के बाद मंगाई है, कूरियर से मुझे मिली, मुंबई बेस्ड एक वेबसाइट है evelta electronics.com, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ की है, और ये कॉस्टली भी मिली मुझे, ये मुझे 2000 रुपीज़ में मिली है। मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ चिप कैसी दिखाई देती है। तो देखिए, ये है चिप, आप इसको देख पा रहे होंगे, और इसमें भी तीन वर्जन ही हैं जो काम करते हैं जेलब्रेक के अंदर। इसमें जो ये आप देख रहे हैं बैक साइड में, आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये थोड़ा मैं वीडियो के अंदर एक फोटो डाल दूंगा इसका। फेदर वर्जन जो है वो सही वर्क करता है, फेदर S2 वर्जन सही वर्क करता है, और एक होता है टाइनी S2। तो ये तीन वर्जन वर्क करते हैं, बाकी कोई भी वर्जन वर्क नहीं करेगा। तो ये काफ़ी कॉस्टली भी मिलती हैं। तो मैजिक USB फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन है। तो आज हम वीडियो में अब मैजिक USB बनाना सीखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा आप उसको कैसे यूज करोगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने PC की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर जो पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ ये है मेरी
सैंडिस्क की 32 GB की पेन ड्राइव। तो मैं इसको एज ए जेबी की पेन ड्राइव यूज कर रहा था पहले, यानी कि प्लग अनप्लग जो मेथड होता है उसमें जो पेन ड्राइव यूज होती है उसके तौर पर मैं इसको यूज कर रहा था। अब मैं इसको मैजिक यूएसबी में कन्वर्ट करूंगा। आप चाहें तो कोई हार्ड डिस्क का भी यूज कर सकते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा में रखी हुई हो, या फिर आप किसी भी पेन ड्राइव को मैजिक यूएसबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जेबी की पेन ड्राइव है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं मैजिक यूएसबी में। अब इसको आपको अपने पीसी में लगा देनी है। स्टेप वन में हम अपनी पेन ड्राइव प्रिपेयर करेंगे। तो पेन ड्राइव को जब आप पीसी में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला। तो अब हमें क्या करना है, हमने पेन ड्राइव प्लग कर दी है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है कोई भी और उसमें किसी तरह का डेटा है तो आप उसको सेव कर लें पहले, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मेट करना होता है हार्ड डिस्क हो या पेन ड्राइव। तो ये मैंने प्लग कर ली, बट ये हमारे पीसी में शो नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल भी ये यहाँ पर शो नहीं हो रही है, 32 GB की पेन ड्राइव। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें खोलना है कमांड प्रॉम्प्ट यानी CMD। तो हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे CMD और ये देखिए ऐप आ गई कमांड प्रॉम्प्ट। इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है डिस्क पार्ट और एंटर कर देना है। तो अगर इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिले तो यस दबाइए और ये देखिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्क पार्ट लिखा हुआ। अब इसके आगे आपको टाइप करना है लिस्ट स्पेस डिस्क। तो ये जितनी भी आपकी डिस्क हैं, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं पीसी में, वो यहाँ पर शो होंगे और ये उनका डिस्क नंबर है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्क टू, तो ये देखिए डिस्क 2 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अब आपको यहाँ पर CLEAN क्लीन करना है और एंटर पर प्रेस कर देना है। तो ये अब आपकी जो पेन ड्राइव है वो क्लीन हो जाएगी। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली इन क्लीनिंग द डिस्क। अब आपको यहाँ पर EXIT एग्जिट दबाकर बाहर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क MGMT और .MSC और एंटर करना है। तो ये इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी और इसमें यहाँ आपकी जितनी भी डिस्क हैं सब आपको शो होंगी। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी पेन ड्राइव है। अब इस पर अनएलोकेटेड स्पेस आपको शो हो रहा होगा, तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको FAT32 सेलेक्ट कर लेना है और इसमें आप जो भी देना चाहें इसको वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम इसको PS4 नेम दे देते हैं, नेक्स्ट करते हैं और ये देखिए ये आपका जो पेन ड्राइव है वो हमारा यहाँ पर शो होने लगा। ये देखिए ये रहा है PS4। अब हमें इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर जो FAT32 है उसे XFAT चूज करके इसे फॉर्मेट कर देना है। लीजिए, तो ये अब XFAT में फॉर्मेट हो चुका है, हमारा पेन ड्राइव अब रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक फाइल डाउनलोड करनी है, ये वाली ps4jbnew.zip। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। तो जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर इसमें से चार चीज़ें मिलेंगी, एक मैजिक यूएसबी फोल्डर, एक XFAT हैक्स pico.img, एक ps4 एक्सप्लोरर 1.34.pkg और एक ये हमारा है रूफस। तो अब हमें रूफस पर राइट क्लिक करना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यस कीजिए, नो कीजिए, क्योंकि अपडेट मांगता है तो अपडेट हमें नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर डिस्क ISO इमेज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट के इधर जो ऑप्शन है इसे नीचे लाना है और इसमें डिस्क और ISO इमेज ये चीज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर हमें सेलेक्ट में जाकर जहाँ पर वो हमारे हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी
तो इसमें जो extract hex pico.img है इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमें अपनी जो डिवाइस है यूएसबी डिवाइस जो पेन ड्राइव है उसे चूज कर लेना है। यहाँ पर देखिए PS4 32GB सेलेक्टेड है, इसके बाद हमें स्टार्ट कर देना है ओके। और ये लीजिए पेन ड्राइव हमारा extract hex pico.img के द्वारा राइट हो चुका है। अब हमें एक बार फिर से cmd ओपन करना है cmd, और यहां पर टाइप करना है डिस्क मैनेजमेंट .msc, यानी कि डिस्क मैनेजमेंट को रन करना है। और ये देखिए ये यहां पर फिर से अनएलोकेटेड में चला गया हमारा जो पेन ड्राइव है। इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर हमें फिर से FAT32 सेलेक्ट कर लेना है। और ये फिर से, तो ये देखिए ये फिर से हमारा जो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया। अब हमें इसको फिर से XFAT में फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट और XFAT.ok, और ये लीजिए। तो इस तरह से हमारा पेन ड्राइव जो है XFAT hex pico से हमने पहले फ्लैश किया, फिर उसके बाद हमने फिर से इसको फॉर्मेट कर लिया XFAT में। अब हम ये सब चीजें बंद कर देते हैं। तो इतना हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमें मैजिक यूएसबी वाला जो फोल्डर है वो ओपन करना है, और यहाँ पर सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन वाले फोल्डर को कॉपी करना है और अपनी पेन ड्राइव वाले फोल्डर में जाना है। जो पेन ड्राइव आप शो कर रहे हैं पेन ड्राइव में जाना है, तो इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर हमें वो जो मैजिक यूएसबी वाले फोल्डर में सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन वाला फोल्डर था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट, और रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन। तो ये हमें रिप्लेस कर देनी है। तो इस तरह से हमारा जो फोल्डर है वो रिप्लेस हो गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताता हूँ, कभी कभी ये जो फोल्डर है सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन ये एक हिडन फोल्डर है, तो ये शो नहीं होता है पेन ड्राइव के अंदर। बट आप जब रिप्लेस करोगे, कॉपी करोगे मैजिक यूएसबी वाला सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन फोल्डर, तो ये रिप्लेस मांगेगा। मतलब क्या है कि ये पेन ड्राइव के अंदर होता है बट हिडन रहता है। बट यहाँ पर मैंने हिडन फाइल्स ओपन कर रखी हैं शो करने के लिए, तो मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हमारा पेन ड्राइव हो गया तैयार। अब हमें जाना है अपने PS4 पर, और उससे पहले हम ये जो PS4 एक्सप्लोरर PKG फाइल है इसको कॉपी कर लेंगे अपने पेन ड्राइव में। यहाँ पर और जैसे कि आपको पता है हमने दोबारा से फॉर्मेट किया है, तो ये PS4 जो हमने से पहले लेबल दिया था वो इसका हट गया है, तो इसको दोबारा से PS4 लेबल दे लेते हैं। अब हम इस पेन ड्राइव को सेफ टू रिमूव करेंगे, इजेक्ट कर लेते हैं और अपने PS4 पर चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हम आ चुके हैं अपनी PS4 पर। अब ये जो पेन ड्राइव मैंने प्रिपेयर की है अभी मैंने PS4 के USB पोर्ट में प्लग नहीं की है। प्लग आपको तब करनी है जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये हम सिर्फ फर्स्ट टाइम करेंगे, अभी प्रिपेयरिंग का मैटर खत्म नहीं हुआ है, यानी अभी मैजिक USB का प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है। कभी आप ये सोचें कि बस बन गई मैजिक USB, अब हम जाते हैं और वीडियो को यहीं खत्म कर दें, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी प्लग नहीं करनी है, पेन ड्राइव अलग रखी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको होस्ट मेन्यू जो आप यूज कर रहे थे या तो आप उसका ही यूज करते रहें या फिर दूसरा होस्ट मेन्यू जो भी इंस्टॉल करना हो आप कर लीजिए। मैंने लीफुल का होस्ट मेन्यू इंस्टॉल किया हुआ है इंटरनेट ब्राउजर के अंदर, तो जैसे ही मैं ब्राउजर रन करूंगा मेरा होस्ट मेन्यू रन हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये गेम्स लॉक्ड हैं और मेरा जो PS4 है वो 9.00 पर है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, और ये देखिए 9.00 पर है। तो अब मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, यानी कि अपना होस्ट मेन्यू ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए लीफुल का होस्ट मेन्यू है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे बाय लीफुल और वेबकिट एक्सप्लॉइट रन हो रहा है, तो वेट करना है। अब हमें नोटिफिकेशन मिलेगा कि प्लग योर USB। अब हमने जो मैजिक USB तैयार की है उसे प्लग करना है, तो ये कर लेते हैं प्लग। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, ये जो हमने मैजिक USB तैयार की है ये आपके अनसपोर्टेड डिवाइस के तौर पर शो नहीं होगी। तो अगर आपके पेन ड्राइव में इंडिकेटर है, यानी कि आपकी USB डिवाइस में इंडिकेटर है, तो वो रीड एंड राइट की उसकी लाइट
ब्लिंक होगी, बट अगर नहीं है इंडिकेटर तो आप यूएसबी लगाने के 10 सेकंड तक वेट करें, यानी लगाने के बाद आपको 10 सेकंड रुकना है। तो यहाँ मैं 10 सेकंड रुकूंगा, फिर ओके प्रेस करूंगा। तो 10 सेकंड हमारे हो गए, अब मैं ओके प्रेस करता हूँ और ये देखिए कर्नल एक्सप्लॉइट डन, रिमूव यूएसबी, देन प्रेस ओके टू कंटिन्यू। बट हम यहाँ पर पेन ड्राइव को अपनी रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो है वो मैजिक यूएसबी है, तो ओके कर देते हैं। और ये देखिए अब हमें गोल्ड हैन रन करना है। कुछ होस्ट में गोल्ड हैन अपने आप रन हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट हम यहाँ पर रन करेंगे। तो ये देखिए गोल्ड हैन लोडेड, तो इसका मतलब हमारी मैजिक यूएसबी का आधा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पीएस बटन दबाकर बाहर आ जाना है। अब हम यहाँ पर बाहर आ गए, मैं आपको दिखाऊंगा हमारी जो पेन ड्राइव है वो पीकेजी फाइल इंस्टॉल करने में भी यूज होगी, क्योंकि एक मैजिक यूएसबी है, ये एक जेबी की पेन ड्राइव नहीं है। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं, गोल्ड है, और यहाँ पर हम जाते हैं डिबग सेटिंग्स, पैकेज इंस्टॉलर, और ये देखिए जो मैंने कॉपी किया था पी एस फोर एक्सप्लोरर पीकेजी वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आपको भी करना है। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इस पी एस फोर एक्सप्लोरर को ओपन करना है, एक्सप्रेस करते हैं। ये लेपी डेवलपर द्वारा बनाया गया है, तो एक बार लेपी को थैंक्स बोलना चाहिए। ओके, तो ये हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें जाना है यूएसबी वाले फोल्डर में, तो उसके लिए हमें एमएनटी पर जाना है, एक्सप्रेस करना है, और उसके बाद यूएसबी जीरो पर जाना है, एक्सप्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पर पीकेजी फाइल भी है और सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन भी है। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन पर ट्राइंगल प्रेस करना है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे और डिलीट कर देना है इसको, तो डिलीट श्योर, और ये डिलीट हमारा हो गया है। इसके बाद हमें बाहर आ जाना है। अब गाइज इसके बाद हम वापस से अपने पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर हमें एक दो स्टेप करने हैं, तो चलिए अपने पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज हम फिर से अपने पीसी पर आ चुके हैं और जो पेन ड्राइव मैंने पीएस4 में मैजिक यूएसबी प्लग की हुई थी उसे मैंने वापस से निकाल लिया है अपने पीएस4 से, और मैं इसे फिर से पीसी में एक बार कनेक्ट करूंगा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये जरूरी है, आपको भी करना है। तो ये देखिए ये मैंने अपनी पेन ड्राइव प्लग कर ली है। अब मैं इसको एक बार और फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, एक्सफेट है, और यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, ओके कीजिए, ओके क्लोज। तो गाइज ये लीजिए, अब आपकी मैजिक यूएसबी पेन ड्राइव तैयार है। अब आप इसको जैसे प्लग मैंने करके आपको दिखाया था वैसे ही कीजिए और ऐश कीजिए। मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये दीजिए मैंने इसको रिमूव कर लिया और मैं इसको PS4 में प्लग करता हूँ और फिर से आपको एक बार जेल ब्रेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये लीजिए हम फिर से आ गए हैं एक बार अपने PS4 पर। मैंने अपने PS4 को रिस्टार्ट कर लिया, जैसे कि देख रहे हैं आप गेम्स हमारे लॉक्ड हैं। तो अब हम रन करते हैं अपना होस्ट मेन्यू, तो ब्राउजर को एक्सप्रेस करके ओपन करते हैं। वेबकिट एक्सप्लॉइट रन होगा, इसके बाद हमें यूएसबी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और हम फिर से अपनी मैजिक यूएसबी को प्लग कर लेते हैं और 10 सेकंड वेट करना है। अब नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक मैजिक यूएसबी है। अब आपको ये नहीं बोला जाएगा आपको प्लग करना है पेन ड्राइव, अनप्लग करना है। अब ये एक मैजिक यूएसबी है, तो आपको मैजिक यूएसबी इंसर्ट करने के बाद 10 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद ओके करना है। तो 10 सेकंड हो गए, अब मैं ओके करता हूँ। ये लीजिए कर्नल एक्सप्लॉइट डन। अब इसके बाद रिमूव यूएसबी, देन प्रेस ओके टू कंटिन्यू है, लेकिन मुझे रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक मैजिक यूएसबी है, तो ओके कर देता हूँ। और ये लीजिए आपका होस्ट मेन्यू यानी जेल ब्रेक डन हो गई और गोल्ड हैन अब आप रन कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस करते हैं और ये देखिए गोल्ड हैन लोडेड। अब पीएस बटन दबाकर आपको बाहर आ जाना है और ये देखिए गेम्स मेरे सब अनलॉक हो चुके हैं। अब आप चाहें तो अपने PS4 को यहीं पर रिस्टार्ट कर सकते हैं, आपका PS4 बंद नहीं होगा। जैसे कर्नल पैनिक की वजह से नॉर्मल जो हमारी जेबी की पेन ड्राइव होती थी उसकी वजह से बंद हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं करके, ये देखिए पावर ऑप्शन और रिस्टार्ट, तो आपको कर्नल पैनिक नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारा PS4 फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार फिर से
जेल ब्रेक करके दिखाऊंगा। मैंने पेन ड्राइव को अनप्लग नहीं किया है, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से अपना होस्ट मेन्यू रन करते हैं। ये देखिए, इस बार मैंने अनप्लग नहीं किया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो ये देखिए, रनिंग वेबकिट एक्सप्लॉइट, तो पहले वेबकिट एक्सप्लॉइट रन होगा, उसके बाद आप 10 सेकंड तक वेट करेंगे। तो ये लीजिए, अब इसके बाद मैंने यूएसबी पेन ड्राइव लगी हुई है, मैंने निकाली नहीं हुई है और ना ही मैंने दोबारा इंसर्ट की है। तो अब देखिए, अब मुझे 10 सेकंड वेट करना होगा। तो 10 सेकंड हो चुके हैं, ओके प्रेस करता हूँ और ये देखिए, कर्नल एक्सप्लॉइट डन, रिमूव यूएसबी, देन प्रेस ओके टू कंटिन्यू। बट हमें यहाँ पर यूएसबी निकालने की जरूरत नहीं है, ओके कर देते हैं इसको। और ये लीजिए, जेल ब्रेक हो चुका है। अब हमें गोल्ड हैंड रन करना है, एक्सप्रेस करते हैं और ये देखिए, गोल्ड हैंड भी लोडेड है। अब पीएस बटन दबाकर बाहर आ गए। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यूएसबी भी मेरी वर्किंग है। पीएस 4 एक्सप्लोरर में जाते हैं, इसके बाद हमें जाना है एमएनटी में और यूएसबी 0, और ये देखिए यूएसबी 0 यानी कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो वर्क भी कर रही है। तो आप इसमें कोई भी पीकेजी फाइल डालकर इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो गाइज, ये है मैजिक यूएसबी, ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आपकी पेन ड्राइव वर्किंग रहेगी, स्टोर कीजिए डेटा या फिर पीकेजी इंस्टॉल कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ वेबसाइट्स पर यूट्यूबर ही हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और वो मैजिक यूएसबी 800 रुपीज़ के समथिंग बेच रहे हैं। मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको बेसिक नॉलेज है पीसी चलाने की, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास ना लैपटॉप है ना पीसी है, तो आप साइबर कैफे पर भी जाकर ये काम कर सकते हैं। कुछ मिनट का काम है, ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो गाइस, जल्दी ही ऐसी एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी गेमिंग। गेमिंग गियर्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए और गेमिंग गियर्स को अपना पूरा सपोर्ट दीजिए।